हाय एवरीवन, मैं हूं मुक्ति गौतम, आप सबके फिटनेस कोच। तो गाइस, दिस इज द वन ऑफ द मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियो, क्योंकि काफी लोग मुझसे पूछ चुके हैं कि क्या राज है आपके लंबे घने बालों का। वेल, मेरे बाल बहुत ज्यादा लंबे नहीं है, बट जो ग्रोथ है वो अच्छी होनी जरूरी है, बिकॉज हम रेगुलर बेसिस पे कटिंग वटिंग कराते रहते हैं। बट अगर आप चाहते हैं कि आपके बालों की ग्रोथ फास्ट हो और साथ ही साथ आपके बाल घने हो, तो मैं शेयर कर रही हूँ आप सबके साथ 3 बेस्ट होम रेमेडीज। सो गाइस, विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ अ टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। हेल्थ एंड फिटनेस से रिलेटेड वीडियोस को देखने के लिए अभी करें चैनल को सब्सक्राइब और घंटा दबाना मत भूलें। सो सबसे पहले होम रेमेडी प्रिपेयर करने के लिए आपको चाहिए है 1/2 कप एलोवेरा जेल, 3 टेबलस्पून ऑफ कोकोनट ऑयल एंड 2 टेबलस्पून ऑफ हनी। कोकोनट ऑयल बहुत ही अच्छा है आपकी बालों की शाइन बढ़ाने के लिए और बालों को सॉफ्ट रखने के लिए, और साथ ही साथ आपके स्प्लिटेंस को कम करता है और ब्रेकेज को प्रिवेंट करता है। बाल लंबे करने के लिए कोकोनट ऑयल इज वन ऑफ द बेस्ट ऑयल। हनी की बेस्ट चीज़ ये है कि ये आपके बालों को मॉइस्चराइज रखता है, जिसकी वजह से आपके बाल शाइनी लगते हैं। और आप नोटिस करेंगे कि ये मास्क हर हफ्ते एक बार लगाने से आपको अपने बाल डल से शाइनी लगने लगेंगे। तो आपको इस मिक्सचर को अच्छे से मिक्स कर लेना है, एंड द बेस्ट पार्ट इज़ दैट कि ये आपके डैंड्रफ को कम करने में हेल्प करेगा। आपके जो स्कैल्प पे इचिंग हो रही है, बिकॉज अगर आप मेरी तरह है रेगुलर बेसिस पे वर्कआउट करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तो पसीने की वजह से आपके हेड में, स्कैल्प में इचिंग हो सकती है, तो आप अप्लाई करें ये वाला मास्क। मास्क आपको 30 मिनट्स के लिए लगा के रखना है, उसके बाद आपको अपने बालों को धो लेना है और शैम्पू और कंडीशनर अप्लाई करना है। सेकंड इज मेथी होम रेमेडी, एंड दिस इज वन ऑफ माय बेस्ट, और मैंने ये रेमेडी बहुत बार की है। तो इसके लिए आपको चाहिए है 2 टेबलस्पून ऑफ मेथी। तो सबसे पहले हम मेथी को हल्का सा रोस्ट कर लेंगे। रोस्ट करने के बाद आप इसे प्रॉपरली ग्राइंड कर लें, और इसके अंदर आप 3 टेबलस्पून पानी के डालें और इसको प्रॉपरली अपने सर पे मसाज कर लें। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि अगर आप इनमें से कोई भी होम रेमेडी कर रहे हैं, बिकॉज इट्स टोटली नेचुरल, तो आप इसको अपने प्रॉपरली स्कैल्प पे मसाज करें और आप पूरे बालों पे लगाएं। इसको आपको लगाए रखना है 20 मिनट के लिए, और 20 मिनट के बाद आपको अपने बालों को धो लेना है। काफी लोग मेथी को रात को ओवरनाइट सोक करके रख लेते हैं, और मैंने भी ये बहुत बार किया है, और सुबह उठ के मैं उसको अपने बालों पे लगा लेती हूँ, बट वो आपके बालों को बहुत गंदे से चिपक जाते हैं, बिकॉज साइज उसका थोड़ा बड़ा रहता है। तो मेक श्योर कि जब भी आप अपनी बालों पर मेथी अप्लाई कर रहे हैं, तो उसका प्रॉपर पाउडर बना के ही उसे अपने बालों पे लगाएं। थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है हमारे पास मसाज, जो कि मैं सबको रिकमेंड करती हूँ कि एटलीस्ट जब आप हफ्ते में एक बार बाल धो रहे हैं या दो बार बाल धो रहे हैं, तो मेक इट श्योर कि आप आधा घंटे पहले अपने बाल को प्रॉपरली मसाज करें। हेड मसाज सिर्फ ना ही आपके बालों को ग्रो करने में हेल्प करेगा, बट साथ ही साथ ही आपके ब्लड प्रेशर को कम करेगा, इम्प्रूव योर सर्कुलेशन इन योर हेड एंड नेक, ईज योर माइग्रेन एंड हेडेक, या अगर आपको टेंशन है या सिर में आपके पेन रहता है, तो उसको कम करेगा। आप चाहे तो किसी भी ऑयल से मसाज कर सकते हैं, आप चाहे तो कोकोनट ऑयल ले सकते हैं, मस्टर्ड ऑयल ले सकते हैं, आमला ऑयल ले सकते हैं, सीसम ऑयल ले सकते हैं, आलमंड ऑयल, ब्राह्मी हो गया, लिंगराज हो गया, तो इनमें से जो भी ऑयल आपको पर्सनली सूट करता है, या फिर जिस रीजन के आप रहने वाले हैं वहाँ का जो एक ट्रेडिशनल ऑयल है, बेटर है कि आप वो यूज़ करें, चाहे वो कोकोनट ऑयल है या फिर मस्टर्ड ऑयल है, दैट विल बी द बेस्ट ऑप्शन। गाइज, अपने बालों को अच्छा दिखने के लिए हम बाहर जाके केराटिन ट्रीटमेंट कराते हैं, बट गाइज आयुर्वेदा में भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि आप अपने बालों पे लगा के उसको लंबा, घना और शाइनी और ब्यूटीफुल बना सकते हैं। तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं अगर आप वो वाली होम रेमेडी देखना चाहते हैं। एंड दैट्स इट गाइज, अगर आप इसी टाइप की वीडियोस देखते रहना चाहते हैं, देन डोंट फॉरगेट टू कमेंट, शेयर एंड लाइक माय वीडियोस। एंड गाइज, आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं मुक्ति गौतम के नाम से। एंड दैट्स इट गाइज, बाय।